गए, हमने कह दिया भाई चुप रहो नहीं तो लड़के के गोली मार देंगे। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में नकाबपोश हथियारबंद बदमाश व्यापारी पर जानलेवा हमला कर 7 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। वारदात के वक्त मौसम खराब होने के चलते बिजली गुल थी, इसी का फायदा उठाकर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर एसपी से लेकर अन्य अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन सवाल यह कि आखिर तमाम दावों के बावजूद बदमाशों में रेवाड़ी पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। नई अनाज मंडी जिला सचिवालय से महज कुछ कदमों की दूरी पर है, ऐसे में जिस तरह से पहले व्यापारी पर हमला किया गया, उसके बाद परिवार को बंधक बनाकर पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, रेवाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस 5 टीम बनाकर जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ने की बात कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस की गश्त आखिर कहां पर रहती है, पुलिस गश्त कहां पर करती है, इसके सवाल भी रेवाड़ी पुलिस को देने होंगे। नवीन, क्या नाम है आपका? देवदत्त नाम है। किस तरह वारदात हुई रात को, एक बड़ी लूट बताई जा रही है मंडी? देखो जैसे हुई है, जैसे हम तो जैसे बच्चे हम तो थे ऊपर सीरियल देख रहे थे, तो किसी ने बेल बजाई तो लड़का नीचे आया, भी कोई ग्राहक होगा कोई सामान लेने के लिए, उसने आके जैसे ये लोग रहता है शीशे वाला लोग खोल के बाहर ने देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, जब कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने अपना शटर डाउन करने के लिए नीचे किया, तो आधा शटर डाउन हुआ था तो बीच में तीनों लड़के आके घुस गए बदमाश के। हाँ, वो तीनों घुसने के बाद इसके पीछे चोट मारी है किसी चीज़ की, फिर इसको तीनों घीच के पीछे गोदाम में ले गए, वहाँ टेप टाप लगा के हाथ पर बांध के और फिर पिस्टल की उस पर ऊपर ले गए। हम ड्राइंग रूम में थे, हमने कह दिया भाई चुप रहो नहीं तो लड़के के गोली मार देंगे। मऊ जी आपको क्या चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलिए हमें तो कैसर को चाहिए, आप आराम से दे दोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। कितना कैश लेंगे? कैश 7 लाख करीब है। अभी तक की बड़ी वारदात है मंडी में इस तरह की लूट की? ये तो नहीं पता जी, बड़ी है छोटी, हम तो कुछ ही दिन पहले आए हैं, 15-20 साल पहले सरों से नहीं रह रहे। कोई ना कोई व्यापारियों में दहशत है इस बार? हाँ, तो व्यापारी में तो जैसे शाम को काफी व्यापारी इकट्ठे थे, सभी कह रहे थे जी भाई दहशत का ही काम है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। नवीन सर, रात को एक बड़ी लूट हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर ये होना नहीं चाहिए था इस तरीके की। किस तरह से अंजाम दिया लुटेरों ने वारदात को, पूरा आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, चोट भी आई आपको? सर यहाँ मतलब कि रिंग बजे थी नीचे, उस वक्त मैं ऊपर खाना खा रहा था, तो मैंने नीचे आके ये मतलब कि अपना चैनल खोला तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, तो मैंने शटर बंद करने की कोशिश की, आधा शटर बंद होने के बाद उन्होंने सिंगल पाँव अड़ाया और दो भीतर बढ़ के एक ने पिस्टल मतलब जो भी हथियार था उनके पास वो मारा है मेरे सिर पे, फिर मेरे को खींच के पीछे वाले रूम में लेके गए हैं, शटर कर दिया बंद, लाइटें बंद कर दी थी दुकान की। क्या रहे पूरे परिवार को बंधक बनाया गया? हाँ पूरे परिवार को, फिर बाद में जैसे कि मेरे को यहाँ पे सारी टेप वगैरह लगा के फिर मेरे को यहाँ छोड़ दिया सिंगल बंदे के साथ, और फिर दो बंदे ऊपर गए हैं एक रूम में, फिर सबको करके फिर मेरे को ऊपर लेके गए। ये लगभग 7 लाख के आसपास थे। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची यहाँ? यहाँ 10 से 15 मिनट बाद। कौन-कौन अधिकारी मौके पर आए? एसपी वगैरह सारे आ गए थे। अब क्या मांग है पुलिस प्रशासन सरकार से आप? जो भी कार्रवाई हो उचित। प्रधान जी मंडी में एक बड़ी वारदात हुई है, आप भी पार्षद हैं, आपके पड़ोस में हुई है, क्या कहेंगे? देखिए ये वाक्या करीब रात को 7:30-8 के बीच का है, तो 2-3 लोग आए थे, उन्होंने बैल बजाई, बैल बजा के दरवाज़ा खुलवाया उन्होंने और बाहर निकल के देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद में जब वो शटर बंद करने लगा तो एक युवक ने पैर फंसा करके शटर को रोक लिया देखो और अंदर घुस गया। अंदर घुस के उसने जो नवीन गुप्ता जो उसके मालिक हैं उसके सर पे उसने शोर मचाने की कोशिश की तो सर पे बट मारा है। वो हथियारनुमा कोई चीज़ थी, पिस्टल थी या कट्टा था जो भी थी, और उसको ले जाके गोदाम में बंद कर दिया है, वहाँ उसकी मुंह पे टेप लगाई है, हाथ बांध दिए गए हैं। उसके बाद 2 आदमी ऊपर गए हैं, ऊपर जाके जो फैमिली थी ऊपर उनमें 4-5 मेंबर हैं उनको कवर किया है, फिर नीचे आए, नीचे आके फिर उसको ऊपर ले गए हैं,
और उनको पिस्तौल दिखा के, कट्टा दिखा के, जो भी दिखा के डराए धमकाए गए, भैया आप या तो बता दीजिए पैसा कहाँ रखा है, नहीं हम आपको मार देंगे। वो सब तो ठीक है, मंडी में इतनी बड़ी वारदात हो जाना, क्या लगता है आपको? भाई ऐसे लगता है कि मंडी में जो ये वारदात हुई, आज से पहले कोई वारदात हुई नहीं थी, लेकिन जो इतनी बड़ी वारदात जो हुई है, इसको हमें लगता है कि उन्होंने कहीं पहले रखी गई है, वो देखते रहे पहले किस तरह से पैसा आता है, कहाँ जाता है, कहाँ रखा है, वो पूरी रेकी करके और पूरे उससे काम हुआ है। और मुझे लगता है कि आदमी बाहर के नहीं है, आसपास के जो आदमी जो नहीं इस काम को अंजाम दे। व्यापारी कह रहे हैं कि बैड एलिमेंट दिन भर मंडी में घूमते हैं, कहीं ना कहीं इस पर नकेल के लिए पुलिस को सख्त होने की आवश्यकता है। वो तो है, पुलिस तो देखिए रात को गश्त करती है एलिमेंट को, लेकिन ये जो हमारी मंडी की चार दीवारी सारी टूटी हुई है, पीछे से पूरे मोहल्ले हैं, तो उनमें से रात भर दिन भर आवागमन रहता है, रात भर आवागमन रहता है। और मंडी में चार दीवारी का टूटना, गेटों का बंद नहीं होना, ये सब इन जो है हादसों को देते हैं। और क्या मांग है आपकी प्रशासन? हमारी मांग यही भाई, इनको जो जिन लोगों ने वारदात की है उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके रिकवरी करवाई जाए। बाकी रात भर से जो पुलिस काम कर रही है, और SP साहब आए थे, कप्तान साहब आए थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था हमें कि हम जल्दी जल्दी जो है इस वारदात को पकड़ेंगे और आपको सुलझा के मिलेंगे। क्या नाम है? अशोक यादव, प्रधान व्यापार संघ नई अनाज मंडी रेवाड़ी। रात को जो लूट हुई, क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? व्यापारियों में बड़ा भारी दहशत है, रोष का माहौल है। ये ऐसी वारदात है कि ये मंडी 79 में आई थी, आज तक ऐसी घटना इस मंडी में नहीं घटी। और सारे शहर में सबसे सेफ अगर जगह कोई मानी जाती है तो वो नई अनाज मंडी है। उसका कारण है कि हर दुकान पे कम से कम लाला लोगों के साथ 5-5, 7-7, 10-10 आदमी लेबर क्लास के होते हैं। ये सबसे महफूज जगह है और यहाँ ऐसी घटना हो गई, ये आश्चर्यजनक। दूसरी बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि दिन में बैड एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर आते हैं, और हमारा प्रशासन इस बारे में उदासीन है, सोया हुआ है। दिन में अगर वो सिविल कपड़ों में पुलिस वालों को भेजे तो तुरंत पता चल जाएगा कि कौन कौन बैड एलिमेंट्स हैं, कौन कौन रेकी करते हैं, उनको टाइमिंग वगैरह का पता होता है, और उसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस गश्त बढ़ाने की आपकी मांग है? पुलिस सादा कपड़ों में होनी चाहिए ताकि दिन में गतिविधियाँ नोट करें जो बैड एलिमेंट्स हैं। यहाँ एक किस्म से शराब का अड्डा बन गया, जुए का अड्डा बन गया, लाला लोग एक पीसफुल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमेशा टकराव की स्थिति में नहीं रहते, और उसका फ़ायदा उपद्रवी तत्व जो हैं वो उठा रहे हैं, तो प्रशासन को सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। सर, एक बड़ी वारदात मंडी में हुई, 7 लाख की बड़ी लूट बताई जा रही, क्या कहेंगे? कल हमें समथिंग 9:15 के आसपास इंटीमेशन मिली थी कि मंडी में 203 नंबर शॉप है, नवीन देवदत्त फर्म है, यहाँ लूट का इंसिडेंट हुआ है। सूचना मिलते हैं, पहुँचे हैं यहाँ। पहुँचने के बाद जो इंजर्ड नवीन है, इसको हमने मेडिकल के लिए भेजा। उसके बाद इससे इसकी शिकायत प्राप्त की, उसके अकॉर्डिंग हमने लूट का मुकदमा लॉन्च किया है। ये इसके अकॉर्डिंग कि 3 लड़के 7:30 के आसपास डोरबेल बजाई, उसके बाद में जब ये नीचे आया उस समय इसमें एंट्री करके इसको डिटेन किया पिस्टल पॉइंट पर, और उसके बाद में ऊपर ले जाके वो पैसे ले गए। वो एग्जैक्ट पैसा फिगर है 5-7 लाख रुपए, ये बता रहे हैं। और उस समय कल मौसम खराब था, लाइट गई थी, उसके अकॉर्डिंग जो हम आसपास जो CCTV फुटेज है वो हम सर्च कर रहे हैं, और फुटेज के अकॉर्डिंग जो भी है शीघ्र ही इसको ट्रेस आउट करेंगे। इसमें खुद SP साहब मौके पर आए हैं, और समथिंग 5-5 टीम हमने इसमें लगाई हुई है जो अलग अलग एंगल पर काम करेंगे। सर, जिस तरीके से वारदात हुई, 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, कब तक मांग के चला जाएगी गिरफ्तारी हो पाएगी? जल्दी रात को या CCTV जो फुटेज है जहाँ इंसिडेंट हुआ है वहाँ भी नहीं है, आसपास की जो शॉप है इसमें किसी में बैकअप नहीं है, तो हम उसके अकॉर्डिंग पहले जो फुटेज है हम वही ऑब्टेन कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी क्रिमिनल है, जो जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड है, बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंग में हम तलाश कर रहे हैं। 5 टीमें लगी हुई, जल्दी हम इसको। मंडी के व्यापारी सवाल उठा रहे हैं कि गश्त की सख्त आवश्यकता है, बैड एलिमेंट काफी संख्या में जो मंडी के अंदर दिन भर घूमते हैं, शराब और जुए का अड्डा बन चुका है, सख्ती की जरूरत है कहीं? देखो, मंडी में और ब्रास मार्केट में हमने स्पेशल पेट्रोलिंग लगाई हुई है, ERB जो 575 है वो भी कंटिन्यू गश्त कर रही है, और जो चौकी की गाड़ी है, राइडर है, वो भी लगाई हुई है। इंसिडेंट हुआ है, इसको जल्दी ट्रेस आउट करेंगे, मैं यही कह सकता हूँ।